हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोको की तरफ से लॉन्च होने वाले एक और नए स्मार्टफोन के बारे में। पोको की तरफ से पोको F4 GT बहुत ही जल्दी लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि ये वाला जो स्मार्टफोन है मल्टीपल सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स पर ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। FCC पर लिस्ट हो गया है, EEC पर लिस्ट हो गया है, IMEI पर लिस्ट हो गया है, TUV पर लिस्ट हो गया है, एंड लॉन्च बहुत ही जल्दी होने वाला है। एंड ये वाला जो स्मार्टफोन है जो चाइना में Redmi K50 गेमिंग एडिशन होने वाला है, उसी का रीब्रांडेड वर्जन होने वाला है। एंड ये जो स्मार्टफोन है डेफिनेटली इंडिया में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोको F4 GT के पॉसिबल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। कुछ कुछ जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो Xiaomi की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म कर दिए गए हैं, कुछ कुछ स्पेसिफिकेशंस रूमर्ड हैं। सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, क्या क्या यहां पर आपको पॉसिबल स्पेसिफिकेशन मिल सकते हैं, क्या कुछ फीचर्स मिल सकते हैं, किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हो सकता है, एंड ओवरऑल कैसा रहने वाला है फोन, सारी चीज डिस्कस करेंगे बिना किसी देरी के। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हैं और लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 700 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई बातचीत को, और सबसे पहले बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। तो जो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन है वो Xiaomi की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि यहां पर आपको फुल ग्लास बिल्ड मिलने वाला है। ग्लास फ्रंट रहेगा, ग्लास बैक रहेगा, मेटल का फ्रेम यहां पर आपको मिलेगा। आगे पीछे दोनों तरफ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। तो बिल्ड क्वालिटी तो काफी सॉलिड यहां पर आपको मिलने वाली है, साथ ही साथ IP53 की रेटिंग मिल जाएगी। तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन यहां पर आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, डस्ट प्रोटेक्शन मिल जाता है, स्प्लैश प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो ये काफी अच्छी बात है। एंड उसी के अलावा अगर बात करें तो पोको F3 GT की तरह ही यहां पर आपको डेडिकेटेड गेमिंग ट्रिगर्स भी देखने के लिए मिलेंगे। तो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी सॉलिड होने वाली है, काफी प्रीमियम होने वाली है, एंड फुल ऑन आपको गेमिंग वाला फील देगी। एंड अगर डिजाइन की अगर बात करें तो इस फोन के जो रेंडर्स हैं, जो लाइव इमेजेस है, वो बहुत बार लीक हो चुकी है, बहुत बार सामने आ चुकी है। एंड यहां पर आप देख सकते हैं बैक पैनल में आपको टॉप लेफ्ट में रेक्टेंगल शेप्ड कैमरा सेटअप मिलता है, जहां पर 3 कैमरास की हाउसिंग है, साथ ही में LED फ्लैश आपको मिल रहा है। एंड जो कैमरा आइलैंड दिया गया है वहां पर आपको LED लाइट्स दी गई हैं, जो कि काफी सही फील आपको देने वाली है, काफी कूल लगने वाली है। तो भाई साहब कैमरा आइलैंड काफी सही यहां पर दिया गया है। उसी के अलावा नीचे की तरफ आपको पोको की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी। एंड बैक पैनल में भी थोड़ा सा आपको डिजाइन दिया गया है गेमिंग वाला, तो बैक पैनल से फोन दिखने में काफी सही लग रहा है। एंड फ्रंट में अगर बात करें तो सेंटर पंचोल के साथ में आपको डिस्प्ले मिलेगा, पतले पतले से बेजल्स रहेंगे, पतली सी चिन रहेगी। एंड कलर्स की अगर बात करें तो 2 कलर्स में आपको फोन देखने के लिए मिल सकता है, सिल्वर कलर में एंड ब्लू कलर में, एंड मोस्ट प्रोबेबली शायद आपको ब्लैक कलर में भी फोन देखने के लिए मिल सकता है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के मामले में 10/10 है भाई, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है, सॉलिड डिजाइन यहां पर आपको मिलती है। बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन में आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। डिस्प्ले की अगर बात करें तो यहां पर आपको 6.67 इंचेस का डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा, जो कि सेंटर पंचोल के साथ में आएगा। फुल HD प्लस का यहां पर आपको रिजोल्यूशन मिलेगा, एंड 10 बिट का AMOLED पैनल यहां पर आपको मिलने वाला है। तो कलर्स वगैरह काफी सही यहां पर आपको मिलने वाले हैं, ब्लैक्स विल बी डीप ब्लैक्स, एंड कलर प्रोफाइल कलर चार्ट आपको काफी सही यहां पर आपको मिलने वाला है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशो रहेगा, 395 PPI के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी मिलेगी, डेंस डिस्प्ले रहेगा, कॉन्टेंट वॉचिंग के लिए भी सही रहेगा। वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन मिलेगा, HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन यहां पर आपको मिलेगा। तो डिस्प्ले क्वालिटी काफी सही रहने वाली है। ब्राइटनेस की अगर बात करें तो 700 nits के आसपास आपको टिपिकल ब्राइटनेस मिल सकती है, एंड 1000 nits से 1100 nits के आसपास आपको पीक ब्राइटनेस मिल सकती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत सही रहने वाली है। एंड अब अगर गेमिंग की बात कर लें, हाई रिफ्रेश रेट की अगर बात कर लें, तो 120Hz का यहां पर आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा, एंड 480Hz का टच सैंपलिंग रेट मिलने वाला है। तो डिस्प्ले क्वालिटी जो है कॉन्टेंट वॉचिंग के लिए तो अच्छी है ही है, लेकिन जिस चीज के लिए ये फोन बनाया गया है गेमिंग, उसके लिए भी डिस्प्ले काफी सही रहने वाला है। ओवरऑल डिस्प्ले पैनल में आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है, टॉप क्लास डिस्प्ले यहां पर आपको मिलने वाला है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है, ये Xiaomi की तरफ से कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन लीक्स एंड रूमर्स यही बोल रहे हैं कि इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 8 Generation 1 चिपसेट मिलने वाला है। नाउ 8 Generation 1 जो चिपसेट है सबसे पावरफुल चिपसेट है आज की तारीख में, 4 नैनोमीटर पर बना हुआ प्रोसेसर है, एनर्जी एफिशिएंट है, हीटिंग का इशू आपको कम मिलता है, एंड अगर थोड़ा बहुत हीटिंग का इशू मिलता भी है तो यहां पर आपको बहुत ही बड़ा सा आई थिंक 4000 square mm का यहां पर आपको लिक्विड वेपर कूलिंग चैम्बर मिलने वाला है। तो ये काफी अच्छी बात है कि यहां पर आपको कूलिंग मैकेनिज्म सॉलिड वाला दिया गया है, तो हीटिंग का इशू आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। अब परफॉर्मेंस की अगर बात कर लें तो 3.05 GHz की पीक क्लॉक स्पीड यहां पर आपको मिलती है, ARM Cortex X2 वाले कोर्स मिलते हैं, तो डे टू डे की जो परफॉर्मेंस है वो तो आपको बटरी स्मूथ मिल जाएगी। एंड गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए Adreno 730 GPU मिलता है, जो कि टॉप नॉच गेमिंग आपको कराएगा, बिल्कुल भी शिकायत आपको नहीं आएगी, बटरी स्मूथ गेमिंग यहां पर आपकी हो जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। साथ ही साथ LPDDR5 RAM यहां पर आपको मिल सकती है, UFS 3.1 वाला स्टोरेज मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में आपको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
टॉप क्लास परफॉर्मेंस यहां पर आपको मिलने वाली है। परफॉर्मेंस का सेगमेंट सॉलिड रहने वाला है भाई। अब कैमरास की अगर बात करें तो ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि यहां पर बैक पैनल में आपको तीन कैमरास का सेटअप मिलेगा। प्राइमरी कैमरा रहेगा 64 मेगापिक्सल का जो कि सोनी IMX686 सेंसर के साथ में आएगा। वही सेंसर है जो पोको X2 के अंदर हमको देखने के लिए मिला था, सेम सेंसर यहां पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये काफी अच्छी बात है, प्राइमरी सेंसर अच्छा दिया गया है तो ये काफी अच्छी बात है। प्राइमरी सेंसर जो है वो काफी सही दिया गया है। सेकेंडरी कैमरा की अगर बात करें तो 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस रहेगा एंड एक 2 मेगापिक्सल का छोटू मिलेगा आपको मैक्रो शॉट्स लेने के लिए। तीन कैमरा पीछे की तरफ रहेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 8K रिकॉर्डिंग ऑप्शन यहां पर आपको मिल सकता है अगर 8 जनरेशन 1 के साथ में आता है, अदरवाइज 4K 60fps तो डेफिनेटली यहां पर आपको मिलने वाला है। एंड फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा जो कि सोनी IMX596 सेंसर के साथ में आएगा। सो सेल्फी कैमरा भी काफी सही दिया गया है, उसमें भी आपको शिकायत नहीं आएगी। 1080 पिक्सल्स में आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30fps पर। ओवरऑल अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो गेमिंग फोन है, कैमरा से ज्यादा आप एक्सपेक्ट करते नहीं है, लेकिन फिर भी भाई कैमरा मॉड्यूल यहां पर आपको काफी अच्छा दिया गया है, कैमरा में आपको शिकायत नहीं आने वाली है। अब बैटरी की अगर बात करें तो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है 4700 mAh की बैटरी यहां पर आपको मिलने वाली है। बैटरी का साइज सही है, 4700 mAh की बैटरी, 4 नैनोमीटर का चिपसेट, उसी के साथ में एमोलेड का डिस्प्ले। तो बैकअप भी आपको काफी सही मिलने वाला है भाई, उसमें आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। सॉलिड बैकअप मिलेगा, एक दिन का, सवा दिन का, डेढ़ दिन का बैकअप भी आप नॉर्मल यूसेज पर निकाल सकते हैं, लेकिन गेमिंग फोन है तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं, लेकिन बैकअप आपको अच्छा मिलने वाला है। एंड इनकेस अगर आप 4700 mAh की बैटरी को फिर भी ढूंस कर देते हैं, फिर भी डिस्चार्ज कर देते हैं, तो 120 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करेगा एंड 120 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा। तो बैटरी मॉड्यूल बहुत सॉलिड होने वाला है, 17 मिनट में आपका फोन 0 से लेकर 100% तक चार्ज हो जाएगा। तो ये काफी सही बात है भाई, बैटरी मॉड्यूल काफी सही यहां पर आपको मिलने वाला है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा एंड चार्ज करने के लिए जो टाइप सी केबल मिलेगी वो एल शेप्ड केबल मिलने वाली है ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो गेमिंग करते टाइम अगर आप चार्ज पे लगा करके गेमिंग करते हैं, ये एक और अच्छी बात है। टाइप सी वाला पोर्ट है। 3.5 mm जैक इस फोन के अंदर आपको नहीं मिलने वाला है एंड दिस इज वन बिग डिसएडवांटेज कि यहां पर आपको 3.5 mm जैक नहीं मिलता है। वो होना चाहिए भाई, गेमिंग फोन के अंदर 3.5 mm जैक होना चाहिए और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस फोन के अंदर। इसी के अलावा अगर बात करें सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड सेंसर्स की तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेगा, फेस अनलॉक ऑप्शन आपको मिलेगा, छुटर पुटर इधर उधर के लगभग सारे सेंसर आपको मिलेंगे, IR ब्लास्टर भी यहां पर आपको मिल जाएगा, NFC भी यहां पर आपको मिल सकता है। तो सेंसर में आपको कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है, लगभग सारे सेंसर्स यहां पर आपको मिलेंगे। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो एंड्रॉइड 12 के ऊपर आपको फोन मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, उसी के साथ में आपको मिलेगा MIUI 13 जो कि लेटेस्ट स्किन है Xiaomi की तरफ से एंड बहुत सही है भाई, बग फ्री होती जा रही है धीरे धीरे एंड जो एक्सपीरियंस है वो काफी स्मूथ रहने वाला है। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर में आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है। नाउ स्पीकर्स की अगर बात करें तो यहां पर आपको सिमेट्रिकल डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने के लिए मिलने वाले हैं जिनकी ट्यूनिंग रहेगी JBL की तरफ से, तो ऑडियो आउटपुट भी यहां पर आपको काफी सही मिलने वाला है, उसमें आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। एंड कार्ड स्लॉट की अगर बात करें तो नो कार्ड स्लॉट, डुअल सिम आप लगा पाएंगे लेकिन एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन शायद आपको इस फोन के अंदर देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। ओवरऑल अगर स्पेसिफिकेशन देखे जाए तो सॉलिड स्पेसिफिकेशन है भाई। एंड वेरिएंट्स की अगर बात करें तो तीन वेरिएंट्स में फोन लॉन्च हो सकता है, 6+128, 8+128 एंड 8+256, में भी एक 12GB वाला वेरियंट भी हो सकता है। प्राइस पॉइंट की अगर बात करें तो अभी तक प्राइस पॉइंट को लेकर के कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल करके नहीं आई है, तो चलो भाई मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप गेस करो कि इन स्पेसिफिकेशन के साथ में ये वाला स्मार्टफोन पोको की ब्रांडिंग के अंडर में किस प्राइस पॉइंट पर इंडिया में लॉन्च हो सकता है, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।